अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो उसके लिए घंटी को दबाइए। तो दोस्तों, इस बार की वीडियो है अमेजिंग फैक्ट्स ऑन तिब्बतन मैस्टिफ इन हिंदी। जो तिब्बतन मैस्टिफ है वो बहुत लार्ज डॉग है, बट नोबल बेयरिंग वाला डॉग है। मतलब आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में कैसे एक इतना बड़ा डॉग और इतना छोटा जो पपी है वो कैसे एक साथ आराम से रह रहे हैं। ये बहुत ही अलूफ रहने वाला डॉग है, बट वॉचफुल डॉग है। मतलब ये गार्डियन डॉग है, मतलब रक्षा करने वाला डॉग है, वर्किंग ब्रीड से है ये। अब ये बहुत ही ज़्यादा देखिए शांत रहेगा, बहुत ही ज़्यादा एकाग्र रहेगा अपने काम में, बट अलूफ रहेगा, मतलब अकेला रहेगा। खेलने को खेलेगा, नॉर्मली खेलेगा, लेकिन अलूफ रहेगा। और ये जो डॉग शोज़ में है ज़्यादा आपको दिखते नहीं है, क्योंकि ये बहुत इनका इंडिपेंडेंट नेचर है। इसलिए ये भी काम है कि बात है कि ये बहुत मतलब इनका इंडिपेंडेंट नेचर है, इसलिए ये इतना डॉग शोज़ में दिखते नहीं है। पर्सनालिटी मेलो है, बहुत काम है, घर के आसपास बहुत काम रहे, मतलब काम से रहेंगे, मतलब आराम से रहेंगे। और डिवोटेड टू फैमिली है, मतलब अपने ओनर के और अपने फैमिली के डिवोटेड रहेंगे। और बहुत ही ज़्यादा टेरिटोरियल है स्ट्रेंजर्स के प्रति, मतलब अगर कोई स्ट्रेंजर आ जाएगा तो उसके लिए बहुत डोमिनेट करेगा उसे। एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा मेच्योर है, बहुत ही हर तरीके से बहुत शांत रहेगा। जैसे एक बड़ा आदमी होता है, एक सेंसिबल आदमी होता है, उसकी तरह बिहेव करेगा ये। हर चीज़ को देखेगा, परखेगा, फिर रिएक्ट करेगा। बच्चों के साथ मतलब मेरे को हैरानी हो रही है कि बच्चों के साथ इनका बिहेवियर अच्छा है, कोई सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। देखिए इतना बड़ा डॉग है, आपको डर लगता होगा अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, लेकिन मतलब मैंने देखा सोशल मीडिया पर इस डॉग के बारे में बहुत गलत बोला गया। मतलब बहुत खूंखार डॉग है, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत खूंखार है, बच्चों को पास नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शेडिंग सीजनल होती है, ग्रूमिंग ओकेजनल होती है। ग्रूमिंग का मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो ओनर है उस पर डिपेंड करता है। ट्रेनिंग बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के है, मतलब वही है, कर लिए, मूड हुआ तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। अब दोस्तों इनकी हाइट के बारे में बात करते हैं। हाइट मेल की 26 इंचेस की है, और 26 से 30, और फीमेल की है 24 से 28 इंचेस की। वेट मेल का 100 पाउंड से 160 पाउंड के बीच में है, और फीमेल्स का 75 से 120 पाउंड। ये इसलिए भी है क्योंकि इनका डबल कोट होता है, क्योंकि सर्दी से भी बचाता है ये। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में भी रह सकते हैं और सर्दी वाले टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 12 साल की उम्र तक जीते हैं, जो नॉर्मल बोला गया है। मतलब ठीक है, एवरेज से कम है, लेकिन ठीक है। बार्किंग लेवल बहुत फ्रीक्वेंट है, मतलब स्ट्रेंजर्स को देख के बिल्कुल बार्क करना शुरू कर देंगे। और इनकी वर्ल्ड रैंकिंग 135 पोजीशन पे है, ये पॉपुलैरिटी बेस्ड रैंकिंग है, और इनकी जो हिस्ट्री है वो 1994 से है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को वॉच करने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर यहाँ तक देख चुके हैं, और हमसे जुड़िए। थैंक यू।